लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस, जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तब भी लोग करते हैं, यार कैमरा ऑन नहीं करते यार, कैमरा इंटरव्यूअर नहीं भी कर रहा तब भी तुम्हें कैमरा ऑन करना चाहिए, कीप वाटर विद यू, इट्स रियली हेल्पफुल। अगर हम कभी बात कर रहे हैं और हमें कुछ सोचने के लिए 5 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए, तो जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक, राइट? व्हाइल यू आर ड्रिंकिंग वाटर यू कैन कंटिन्यू थिंकिंग, सामने वाले को ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम अटक गए हो, तुम कुछ कर रहे हो, राइट? एंड मैंने देखा है कुछ लोग इतने अमेजिंग होते हैं, कॉपी पेन क्या वो टैबलेट रख लेते हैं अपने पास, उसको अटैच कर रखा होता है, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। अगर मैं सामने होता किसी के इंटरव्यू में और वो पेपर पे कुछ लिख रहा होता तो मेरे को दिख रहा होता ना वो क्या कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं तो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता हूँ ऐसे लोगों से कि यार दे रियली केयर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, राइट? हे गाइस, दिस इज अंकुश एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो यार, इस वीडियो में व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज जो आजकल हम सबके साथ हो रहा है, राइट? लाइक बहुत सारे इंटरेक्शंस, बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारी कॉल्स हमारी, बहुत सारी मीटिंग्स हमारी जूम पे हो रही हैं, या गूगल मीट पे हो रही हैं, या माइक्रोसॉफ्ट पे हो रही हैं, या अमेजोन के किसी सॉफ्टवेयर पे हो रही हैं, बट इन पर्सन नहीं हो रही है। आई थिंक देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड वेन एवर वी हैव एनी इंटरव्यू और एनी इंटरेक्शन विद अ कंपनी, फ्यूचर पोटेंशियल कंपनी, राइट? जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली फॉर द इंटरव्यूज। आई वॉन्ट टॉक अबाउट 7 things दैट यू शुड कीप इन माइंड विच विल रियली हेल्प यू सॉर्ट ऑफ जो भी इसके इन पर्सन नहीं होने के और कॉल के थ्रू होने के जो नुकसान हो सकते हैं वो हम अवॉइड कर पाएँ, और अगर हम कुछ फ़ायदा ले सकते हैं तो हम फ़ायदा ले पाएँ, राइट? सो प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ये एक रैंडम सा थोड़ा सा एक्सपीरियंस चल रहा है ना आजकल कि हम इन पर्सन नहीं कर रहे हैं बात, सब कुछ बेसिकली जूम के थ्रू हो रहा है या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉल किसी और के थ्रू हो रहा है, उसको हमें कैसे अपने फेवर में लेना है इसके बारे में बात करते हैं, राइट? परफेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक वन थिंग दैट वी आर ऑल यूज टू, राइट? अगर इन पर्सन इंटरव्यू होता है या इन पर्सन हमें किसी को मिलने जाना है तो जनरली हम क्या बोलते हैं, लेट मत जाओ, 5-10 मिनट 15 मिनट जल्दी चले जाओ। आई थिंक इन केस ऑफ जूम कॉल्स यू नीड टू बी ऑन टाइम एंड दैट मीन्स बी ऑन टाइम, जल्दी मत जाओ, लेट मत जाओ। लेट जाना तो ऑब्वियसली बुरा है, राइट? लाइक वेरी वेरी बैड इंप्रेशन, स्पेशली अब तो ट्रैफिक भी नहीं है, घर पे बैठे हो, घर से ही देना है, तो फिर लेट जाने का कोई खास रीज़न भी नहीं है। बट जल्दी जाने में भी प्रॉब्लम है बिकॉज बहुत सारे रिक्रूटर्स, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स सेम मीटिंग लिंक यूज़ करते हैं फॉर मल्टीपल इंटरव्यूज, फॉर मल्टीपल मीटिंग्स। सो हमें जल्दी नहीं जाना चाहिए इसलिए, बिकॉज जल्दी जाएंगे तो हम किसी और मीटिंग को डिसरप्ट कर रहे होंगे, इंटरप्ट कर रहे होंगे। सो इसलिए वी नीड टू, द फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू कीप रिमेंबर इज लाइक कीप इन माइंड इज लेट्स बी ऑन टाइम, लेट्स नॉट बी अर्ली, लेट्स नॉट बी लेट, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट आई थिंक इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम बेसिकली टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारा वाईफाई नहीं चल रहा होगा, हमारा कैमरा नहीं चल रहा होगा, हमारी माइक नहीं चल रही होगी, तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, राइट? सो ये चीज़ें हमें पहले से टेस्ट करनी है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर टेस्टिंग योर कैमरा, यू आर टेस्टिंग योर माइक, यू आर टेस्टिंग योर वाईफाई, थिंक ऑफ ऑल द बैड थिंग्स दैट माइट हैपन। लाइट चली गई तो क्या तुम्हारे लैपटॉप में इनफ चार्जिंग है, क्या तुम्हारे फ़ोन के इंटरनेट से चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, राइट? लाइक जस्ट कीप make sure that you are sure about all the things will go the right way, and जितना ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रख सकते हो पहले से test out कर लो, बहुत ज़्यादा important है। otherwise क्या होता है ना, एक opportunity बड़ी मुश्किल से मिली है, वो interview चल रहा है, उसमें disruption आएगी, पता नहीं इसके बाद क्या होगा, दोबारा कर लेंगे hopefully schedule, but फालतू में delay हो जाएगा and तुम बहुत ज़्यादा nervous हो जाओगे। मान लो 5 मिनट के बाद तुम्हारा कैमरा नहीं चल रहा है या स्टार्टिंग में नहीं चल रहा है, तो जनरली तुम बहुत नर्वस हो जाओगे एंड तुम्हारा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाएगा जितना तुम चाहते हो कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा जाए, बिकॉज ऑफ जस्ट यू बीइंग नर्वस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हम सब कुछ पहले ही टेस्ट कर लें। थर्ड थिंग विच आई थिंक इज वेरी वियर्ड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस, जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तब भी लोग करते हैं, यार कैमरा ऑन नहीं करते यार, कैमरा इंटरव्यूअर नहीं भी कर रहा तब भी तुम्हें कैमरा ऑन करना चाहिए, राइट? इन पर्सन नहीं मिल पा रहे, अब एटलीस्ट कैमरा तो ऑन करना ही चाहिए हमें, सो दैट हमारी बॉडी लैंग्वेज दिखे, सो दैट वी आर एबल टू, लाइक कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द वर्ड्स, राइट? इट्स ऑल्सो अबाउट द एक्सप्रेशंस, इट्स ऑल्सो अबाउट योर हैंड मूवमेंट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर जनरल बॉडी बॉडी लैंग्वेज, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपना कैमरा ऑन करें। इंटरव्यूअर नहीं भी कर रहा मत करने दो, कुछ नहीं होता, तुम कर लो। एंड दैट्स वाई द फर्स्ट द सेकेंड पॉइंट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, कि भाई तुम्हारे वाईफाई की स्पीड अच्छी होनी चाहिए कि कैमरा चल जाए,
वो सब इशू नहीं आने चाहिए क्योंकि तुम्हारा ही टाइम खराब होगा अदरवाइज। बट मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना कैमरा ऑन रखें एंड हम अपनी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा वर्क करें कि यार हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें, ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और हम प्रेजेंटेबल भी रहें, राइट। लाइक ऐसा मत करो कि यार वर्क फ्रॉम होम है तो कुछ भी पहन के बैठ गए, राइट। लाइक वियर वट एवर यू वुड हैव अदरवाइज तुम पहनते जब तुम ऑफिस में किसी को मिलने जाते, अगर ऑफिस में इंटरव्यू ले जाते, सेम टाइप ऑफ कपड़े पहन कर बैठो एंड उस चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। कीप इट फॉर्मल, इफ़ यू वुड हैव केप्ट इट फॉर्मल इन पर्सन तो यहाँ पर भी उसको उतना ही फॉर्मल रखो। अगर तुम्हें लगता है कि जब तुम इन पर्सन जाते और तुम पेंट शर्ट पहन के जाते और तुम लाइक उससे तुम्हें कुछ सीरियसनेस आती तो यार यहाँ पर भी वो करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परफेक्ट। सो क्या क्या बोला मैंने अभी तक तुम्हें? मैंने अभी तक तुम्हें बोला दैट टाइम पे जाना है। सेकेंड मैंने तुम्हें बोला सब कुछ हमें पहले से टेस्ट करना है। थर्ड मैंने तुम्हें बोला कि कैमरा ऑन रखना है एंड हमें प्रेजेंटेबल रहना है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखना है, ठीक है। सो द फोर्थ पॉइंट इज वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा एक चीज़ हार्ड हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास से कंप्लीटली रिमूव करना। बट स्पेसिफिकली फॉर इंटरव्यूज प्लीज मेक श्योर दैट डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। दैट मीन्स घर वालों को बोल दो कि यार डिस्टर्ब नहीं करें, अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखो, सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। जस्ट मेक श्योर दैट इंटरव्यू के दौरान डिस्ट्रैक्शन नहीं आए, बिकॉज देखो हम एक जोन में होते हैं, हम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक जोन में होते हैं, हम कुछ काम में जोन में होते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। जैसी कोई डिस्ट्रैक्शन आती है, जैसी कोई रैंडम नॉइस आती है, वॉइस आती है आसपास से, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन उतना अच्छा नहीं रहता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर इन अ क्वाइट एनवायरमेंट। आइडियली तुम्हारे बैकग्राउंड का ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा नॉइजी बैकग्राउंड नहीं हो, राइट। एंड ओवरऑल अदरवाइज तुम्हारे आसपास का एनवायरमेंट बहुत लाइक डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखो। मुझे पता है घर पे मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है, बट एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए उस दौरान तो मैनेज कर लो ना, कि यार घर पे कोई बच्चा है तो उसको किस तरह से मैनेज कर लो कि वो किसी दूर के रूम में हो, ताकि अगर वो रो रहा है, वो कुछ आवाज़ कर रहा है तो वो तुम्हारे पास नहीं आ रही है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन्फॉर्म एवरीबडी अराउंड यू दैट हे आई नीड क्वाइट टाइम, जस्ट मेक श्योर दैट यू गेट दैट क्वाइट टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरव्यूज, ओके। सो प्लीज़ इसका अच्छे से हमें ध्यान रखना। एक छोटा सा पॉइंट विच इज़ माई फिफ्थ पॉइंट इज अपने पास पानी रखो, राइट, कीप वाटर विद यू, इट्स रियली हेल्पफुल। अगर हम कभी बात कर रहे हैं और हमें कुछ सोचने के लिए 5 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए, तो जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक, राइट। व्हाइल यू आर ड्रिंकिंग वाटर यू कैन कंटिन्यू थिंकिंग, सामने वाले को ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम अटक गए हो, तुम कुछ कर रहे हो, राइट। ये बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी बोलते हैं कि अपने पास पानी रखना चाहिए, ताकि अगर तुम्हें लगे कि तुम नर्वस हो रहे हो, तुम्हें 10 सेकंड का ब्रेक चाहिए, तो तुम पानी पी सको। सिमिलरली इन इंटरव्यूज एज वेल कीपिंग वाटर नेक्स्ट टू यू इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर प्रेशर थोड़ा बिल्ड हो रहा है, तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर, इट विल जस्ट काम यू डाउन अ लिटिल बिट। एंड इन जनरल भी बहुत बोलना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है इंटरव्यूज़ के अंदर कभी कभी, तो पानी की ज़रूरत होती है। फिर वो बीच में अगर उठ के जाना पड़े वो प्रॉब्लमैटिक है, गला अगर सूख रहा है तो वो प्रॉब्लमैटिक है। छोटी सी चीज़ है बट कई बार बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि अगर हम जस्ट पानी अपने पास रख लें, राइट। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। सिक्स्थ पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं तो बता रहा हूँ कुछ लोग बहुत गड़बड़ करते हैं और कुछ लोग एकदम बहुत ही अमेजिंग होते हैं इस चीज़ में। यार अपने पास कॉपी पेन रख लो, है ना, मतलब लिखना पड़ेगा ना, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉपी पेन रख लो ना, थोड़ा प्रिपेयर करो ना अपने आप को अकॉर्डिंगली पहले। एंड मैंने देखा है कुछ लोग इतने अमेजिंग होते हैं कि यार कॉपी पेन क्या, वो टैबलेट रख लेते हैं अपने पास, उसको अटैच कर रखा होता है, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, सो दैट इट्स नॉट जस्ट, अगर मैं सामने होता किसी के इंटरव्यू में और वो पेपर पे कुछ लिख रहा होता तो मेरे को दिख रहा होता ना वो क्या कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मैं तो इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाता हूँ ऐसे लोगों से कि यार दे रियली केयर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, राइट। लाइक कि बहुत ध्यान से सोच समझ के उन्होंने पहले अच्छे से प्रेप किए हैं, दैट शोज मी कि जब वो काम भी करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। सो अगर तुम कर सकते हो अरेंज अपने फ़ोन के ऊपर स्टाइलस से लिख पाओ, कोई टैब हो तुम्हारे पास उसको यूज़ कर पाओ, तो यार वो शेयर कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो, सो दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग कोड, whenever you are not just writing code, whenever you're doing any sort of rough work as well, right, that'll be visible and सामने वाला engaged रहेगा, वो 5 मिनट के लिए खाली स्क्रीन को नहीं घूर रहा है, वो देख रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा thought process उसके उसको दिखाई दे रहा है। आई थिंक बहुत ही सही आइडिया है, बहुत सारे लोग, बहुत कम लोगों को मैंने करते हुए देखा है ये, बट आई थिंक मेरे को, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाता हूँ जब लोग इस लेवल पर जाते हैं अपनी तैयारी के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। वन लास्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टॉक अबाउट इज यार जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है प्लीज़ गेट यूज टू इट बिफोर द इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ डिस्कशन विद समबडी एट अमेजॉन एंड नॉट एन इंटरव्यू बट लाइक
किसी का इंटरव्यू नहीं ले रहा था, बट लाइक कुछ और कुछ किसी चीज़ के लिए मेरा कोई डिस्कशन था अमेजोन में, कोई बंदा जो काम कर रहा है। अब उन्होंने मीटिंग के अंदर अमेजोन का कोई सॉफ्टवेयर कोई होता है अमेजोन चाइम करके, उन्होंने वो मेरे को लिंक भेजा। इट टुक मी सम टाइम टू बेसिकली फिगर इट आउट कि यार मेरे को कैसे लॉग इन करना है कैसे नहीं करना है। एक बार मैं किसी से मीटिंग कर रहा था, उन्होंने मुझे कुछ माइक्रोसॉफ्ट का कुछ भेज दिया। अब वो मेरे पास इंस्टॉल तो था नहीं, तो मैंने वेब ब्राउजर में जो भी उनका वर्जन था वो यूज़ किया। नाउ अगर हमें पता है कि यार जनरली क्या होता है, जो वेब ब्राउजर में जो फंक्शनैलिटी होती है उससे बेटर होती है अगर तुम इंस्टॉल कर लो सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे। और अगर मुझे पता है कि मेरा कल इंटरव्यू है और वो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में होने वाले, तो यार पहले इंस्टॉल कर लेना चाहिए ना हमें, पहले उसके ऊपर एक दो मीटिंग डमी मीटिंग किसी और के साथ करके देख लो, जस्ट गेट यूज टू कि स्क्रीन शेयरिंग कैसे होती है, मेरे को मेरा ऑडियो वीडियो कहाँ से बंद होता है कहाँ से ऑन होता है, ये सब चीज़ें मैं पहले से फिगर आउट कर लूँ। और कुछ नहीं होता है लाइक, मतलब तुम कर लोगे इंटरव्यू के दौरान भी फिगर आउट एक मिनट के अंदर, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि तुम यू वो ना नेचुरल उससे निकल के ना तुम थोड़े से वो हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो कि अरे यार पता नहीं कहाँ से हुआ कैसे नहीं हुआ, एंड वो फालतू में तुम्हारे दिमाग में एंजाइटी बिल्ड करता है और तुम बहुत अच्छे से इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सो वी नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड हमें अपना अच्छे से प्रिपेयर रहना है बिफोर द इंटरव्यू एज वेल, बिफोर द इंटरव्यू इटसेल्फ। ठीक है, सो मैंने क्या क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला टाइम पे जाना है, अपना सारा कैमरा माइक सब वाईफाई चार्जिंग सब अच्छे से पहले चेक कर लेना है, कैमरा हमें ऑन रखना है, हमें अपने आसपास क्वाइट एनवायरनमेंट रखना है, हमें पानी अपने पास रखना है, हमें कॉपी पेन अपने पास रखना है, एंड अगर तुम रख सकते हो तो टैबलेट रख लो जिसके ऊपर तुम अपना काम कर पाओ ताकि सामने वाले को दिखाई दे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू है, राइट, तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना क्या टेबल बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, इट विल बी सो मच ईजियर अगर तुम दिखा पाओगे एक टैबलेट पर लिख के। द लास्ट थिंग आई टॉक्ड अबाउट इज जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होने हैं उनसे उनको इंस्टॉल कर लो, गेट यूज टू देम, अंडरस्टैंड देयर फंक्शनैलिटी कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, सो दैट इंटरव्यू के दौरान हम अच्छे से कर पाए। ओके, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। मुझे लगता है बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इनका ध्यान रखते हैं तो इंटरव्यू के दौरान हमें वो फालतू में एकदम प्रेशर बिल्ड नहीं होता और हम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो एंड अच्छे से करो, अपनी तैयारी भी अच्छे से करो, बट अच्छी तैयारी के बाद इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा इंटरव्यू खराब नहीं होना चाहिए। इफ़ यू थिंक आई मिस समथिंग प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। Okay, thank you.